मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। चलिए भाई, आज हमारा नया टॉपिक होगा। सौरभ जी गुड मॉर्निंग, कृष्णकांत जी गुड मॉर्निंग, रश्मि जी गुड मॉर्निंग। तो नया टॉपिक हमारा है किसान आंदोलन, पेजेंट मूवमेंट। पेजेंट मूवमेंट, अब देखिए हम बात करें कि किसान आंदोलन क्यों हुआ, क्या रीजन रहा इसके पीछे, क्यों किसानों ने इस आंदोलन को, एक मूवमेंट को शुरुआत करने की कोशिश की जिसमें वो अधिकांशतः विफल रहे, कुछ में सफल भी रहे, तो रीजन हम जान लेते हैं। देखिए, हम पहले देख चुके हैं कि जो किसान लोग थे पहले राजाओं के शासन में अपना जीवन चलाते थे, लेकिन बाद में फिर अंग्रेजों का आना हुआ और अंग्रेजों ने शासकों पर दबाव डालकर ज्यादा से ज्यादा लैंड रेवेन्यू या टैक्सेस जो हैं वो कलेक्ट करवाने शुरू किए। अब देखिए, यहां पर राजा भी मजबूर थे क्योंकि उन्हें अपनी गद्दी से प्यार था, वो अपनी गद्दी छोड़ना नहीं चाहते थे, और गद्दी नहीं छोड़ेंगे तो अंग्रेजों का कहना मानना पड़ेगा, और अंग्रेज यहाँ के शासकों से ज्यादा मनी कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तो अब पहले जब यहाँ अंग्रेज नहीं थे तो राजा का एक सॉफ्ट कॉर्नर हुआ करता था अपनी प्रजा के प्रति, क्योंकि उसकी प्रजा है। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद उन पर एक प्रेशर रहा, अगर वो चाहें भी तो भी ऐसा नहीं कर सकते। मान लीजिए किसान बहुत ज्यादा परेशान है तो पहले वो उनका कई बार लगान भी माफ कर देते थे या कम कर देते थे, लेकिन अब तो टैक्सेस और ज्यादा बढ़ गए और साथ ही साथ दूसरे टैक्सेस भी उन पर थोप दिए गए थे, क्योंकि राजा के पास में आय का साधन और कुछ भी नहीं था, उसकी प्रजा से ही उसको धन लेना होता था। तो इस वजह से अब शासक केवल नाम मात्र का शासक रह गया और रियल रूलर हो गए आपके अंग्रेज। तो यहां पर दोहरी मार सहनी पड़ी किसानों को, एक तो राजा की मार और दूसरा अंग्रेजों की मार। तो अब किसान लोग पहले से ही गरीब थे, लेकिन और ज्यादा जब उन पर लाद दिया गया दूसरे टैक्सेस, तो अब उनकी स्थिति और ज्यादा दयनीय हो गई, बहुत ही ज्यादा गिरी हुई स्थिति हो गई उनकी। तो अब दो ही ऑप्शन थे, या तो आत्महत्या करें या फिर उसका विरोध करें। तो जिन्होंने आत्महत्या की वो तो चले गए इस दुनिया से, लेकिन जिन्होंने विरोध किया इसके खिलाफ, वही किसानों का आंदोलन कहलाया। अब देखिए, पहले जनरली जो लैंड रेवेन्यू हुआ करता था वो टोटल जो उपज थी उसका 1/3 हुआ करता था, लेकिन ये बढ़ते बढ़ते 50% हो गया। टोटल उपज का बढ़ते बढ़ते 50% हो गया। इसके अलावा दुनिया भर के टैक्सेस लाद दिए गए, जिनको कहा जाता था लाग बाग। लाग बाग जो है सब टैक्सेस आप कह सकते हैं, मेन जो उनका टैक्स था वो था लैंड रेवेन्यू, लगान। लाग बाग दुनिया भर की आपकी अलग अलग टैक्सेस थे, जैसे हम देखेंगे तलवार बंधाई है, आपका चंवरी लाग है, ठीक है। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो एक तो लैंड रेवेन्यू बढ़ा दिया, ऊपर से ये लाग बाग। अब जैसे देखिए, बड़ी ही हम कहेंगे कि रिडिकुलस भी कह सकते हैं और बड़ी दुखद तो थी ही, खैर ये लाग बाग थी। जैसे राजा है, राजा की जो साम्राज्य है उसका जो एम्पायर है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड, जिसको कहते थे ठिकाना, ठीक है। तो ये जो ठिकाने का प्रमुख होता था ठिकानेदार कहलाता था, ये मैं आपको बता चुका हूं। अब राजा किससे जो लैंड रेवेन्यू वगैरह वो किससे लेगा, ठिकानेदार से, और ठिकानेदार लेगा किसानों से, ठीक है। तो यहां पर जो ठिकानेदार है, मान लीजिए उसकी जो धर्म पत्नी है, उसकी वाइफ है, उसने नया चूड़ा पहना, चूड़ा जो पहनते हैं,
तो नया चूड़ा पहनने पर, अब नया चूड़ा कोई ऐसा तो है नहीं लाख का पहन लिया या सोने का चूड़ा पहना साहब, अब सोने का चूड़ा बहुत महंगा, तो अब उसके लिए टैक्स लगा दिया जनता पर कि लाइए साहब चूड़ा लाग या चूड़ा लाग बाग कि मेरी धर्मपत्नी ने नया चूड़ा पहना है तो उसका टैक्स आप दीजिए। मान लीजिए ठिकानेदार के यहां पर कोई बेटी पैदा हो गई, अब बेटी पैदा हुई ठिकानेदार के यहां पर, किसानों से लिया जाएगा टैक्स, लाइए साहब बाई जी की लाग, बाई जी पैदा हुई है तो बाई जी की लाग बाग या बाई जी की लाग ये टैक्स लगा दिया साहब। पहले किसान ज्यादा पैसा होता नहीं था, तो अगर हम देखें कि कैटल्स की बात करें, मवेशियों की बात करें, तो यही गाय बकरी भैंस वगैरह। लेकिन मान लीजिए किसी ने ऊंट रखा, ऊंट पाल लिया, तो इसका मतलब तेरे पास पैसा ज्यादा है, इतना बड़ा जानवर पाल रहा है तू, तो ला सूटा बंधी लाग, अगर ऊंट पाला है तो लाओ सूटा बंधी लाग। किसान लोग ज्यादा पैसे वाले थे नहीं, तो उनके जो घर होते थे वो छप्पर वगैरह डाल करके झोपड़ी टाइप बनाते थे। लेकिन मान लीजिए किसी ने पट्टियां डाल दी हैं, पत्थर की पट्टीदार छत उन्होंने डाली है, तो इसका मतलब तेरे पास पैसा ज्यादा है, तो लाइए कमठा लाग। जो ठिकानेदार के सुपुत्र हुआ करते थे, उनसे उनके जेब खर्ची के लिए, उनकी जो पॉकेट मनी आती थी वो भी जनता से आती थी, और वो होती थी कुंवर जी का कलेवा लाग, लाओ साहब कुंवर जी कलेवा करेंगे निकालो टैक्स। तो कहने का मतलब ये हुआ बात बात पर टैक्सेस लागू कर दिए गए। और अगर हम अकेले मेवाड़ की बात करते हैं तो ऐसे 84 टाइप्स ऑफ सब टैक्सेस वर देयर, 84 प्रकार के लाग बाग लिए जाते थे। अब आप सोचिए कि तलवार बंधाई भी था और चवरी लाग भी था, जो अभी हम पढ़ेंगे उनको तो हम लिखवाएंगे बाकायदा, ठीक है। तो इस तरीके के 84 लाख बाग छोटे छोटे सब टैक्सेस, ऊपर से आप 50% ये लगान या लैंड रेवेन्यू आपको देना ही देना है, तो बताइए मरता क्या ना करता, तो या तो आत्महत्या कर लो सुसाइड, या फिर विरोध करो। तो जिन्होंने विरोध किया तो वो हमारे किसान आंदोलन या पेजेंट मूवमेंट के रूप में सामने आए, ठीक है भाई। हाँ गलत तो था सौरभ जी, लेकिन अब गलत सही क्या होता है, कुछ नहीं। राजा की आय का साधन क्या होता था, टैक्सेस, वो उसकी रोजी रोटी चलती कहां से थी, जो लैंड रेवेन्यू वगैरह आते थे दूसरे प्रकार के टैक्सेस थे वहीं से उसका जीवन गुजर बसर चलता था रॉयल फैमिलीज का। तो खैर, तो आपकी बात समझ में आ गई होगी कि यहां पर जो एट्रोसिटी थी, जो बहुत ज्यादा शोषण था किसानों पर, उसी के खिलाफ किसानों ने आंदोलन किया, ठीक है। तो यहां पर मेन जो कारण रहे, तो कारण में पहला कारण कि किसानों ने आंदोलन क्यों किया, तो पहला तो था धीरे धीरे बढ़ता हुआ हाई लैंड रेवेन्यू, उच्च भू राजस्व, हाई लैंड रेवेन्यू, ठीक है, जो कि आपका पहले 1/3 था, फिर बढ़ते बढ़ते हो गया 50%, 1/2 उच्च भू राजस्व था। फिर इसके बाद में दुनिया भर की लाग बाग, इनको आप इंग्लिश में लाग बाग ही लिखेंगे भाई, और समझने के लिए आप लिख सकते हैं सब टैक्सेस, लाग बाग थे जो सब टैक्सेस थे दुनिया भर के। तो इसके अलावा किसान से बेगारी भी करवाई जाती थी, यानी कि बिना मेहनताना दिए कार्य करवाना। ठिकानेदार के यहां पर कोई भी काम हो, किसी भी प्रकार का काम हो, उसके खेतों में कोई काम करना है, उसके घर पे काम करना है, तो किसानों को मुफ्त में बेगारी भी करनी पड़ती थी, यानी मुफ्त में काम भी करना पड़ता था। तो इन सब के खिलाफ क्या हुआ, किसान आंदोलन हुआ। अब हमारे राजस्थान में दुनिया भर के किसान आंदोलन हुए, अब उनमें से कौन कौन से मेन पेजेंट मूवमेंट थे
उनको हम देख लेते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन। चलिए भाई अगले पेज पे चलें। तो ये आपने रीजंस लिख लिए होंगे, मेन रीजन क्या थे पेजेंट मूवमेंट के, पहला था हाई लैंड रेवेन्यू और दूसरा था वेरियस टाइप ऑफ सब टैक्सेस विच वर नॉन एज लाग बाग। ठीक है, ये थे आपके। लिखवा दिए थे भाई ज्योति जी, मैंने आपको लिखवा दिए थे ब्रिटिशर्स के साथ देने वाले जितने भी मेन रूलर्स थे वो सब कल मैंने लिखवा दिए थे, और लास्ट में मैंने आपको बीकानेर के सरदार सिंह लिखवाए थे। ठीक है, तो बीकानेर के जो सरदार सिंह थे उनकी मैंने आपको बताई थी एक विशेष बात, ये थी कि बाकी जितने भी रूलर्स थे उन्होंने अपनी आर्मी भेजी थी उनकी मदद के लिए, अंग्रेजों की मदद के लिए, लेकिन ये खुद गए थे अपनी सेना को लीडरशिप करते हुए, नेतृत्व करते हुए हरियाणा पंजाब तक, ये खुद अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए अंग्रेजों का साथ देने के लिए, विद्रोहियों को दबाने के लिए खुद गए थे। ये एक स्पेशल बात थी सरदार सिंह की, कल हमने यहां पर एंड किया था। ठीक है, चलिए ये मेन मेन थे, बाकी तो दुनिया भर के थे होने को। तो चलिए भाई अब हम आगे देख लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा पेजेंट मूवमेंट है वो है बिजोलिया पेजेंट मूवमेंट, बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन, ठीक है। अच्छा चलिए तो एक छोटी सी बात बताइए फटाफट से कि हम कल्चर पढ़ रहे थे और इसके बाद अब हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री बहुत से लोगों को बकवास सब्जेक्ट लगता है, क्या सर रटना पड़ता है, ये करना पड़ता है, तो मुझे जरा बताइए क्या हिस्ट्री ठीक लग रहा है या कल्चर ठीक था समझने के हिसाब से जैसा मैं आपको समझा रहा हूँ, या दोनों सही समझ में आ रहे हैं? जैसे आपके कल्चर में आप लोग कहते थे सर बड़ा मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, राजस्थान की कल्चर के बारे में पता चल रहा है, तो ऐसा मैं जानना चाह रहा हूँ क्या हिस्ट्री में भी ऐसा ही है? हिस्ट्री ठीक है दोनों, ओके दोनों बेस्ट हैं, दोनों सही हैं, कल्चर में ज्यादा मजा आया था, ओके चलिए ठीक है, ठीक 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 चलिएगा, चलिए हिस्ट्री अच्छी है ज्यादा, चलिए किसी को कल्चर ज्यादा अच्छा लगा, किसी को हिस्ट्री ज्यादा अच्छी लगी, बट मैक्सिमम लोगों ने कहा है कि दोनों ही सही हैं। चलिए तो और भी अच्छी बात है ज्योति जी कि आपको याद हो रहा है साथ साथ ही, तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। चलिए ठीक है, कुल मिलाकर के यहां पर मैक्सिमम लोगों ने कहा कि दोनों सही समझ में आ रहे हैं, बस समझ में आने चाहिए बेसिकली। चलिए भाई थैंक यू फॉर योर फीडबैक। अब बिजोलिया, देखिए बिजोलिया प्रेजेंटली हम देखें तो इट इज सिचुएटेड इन भीलवाड़ा, भीलवाड़ा वर्तमान जो भीलवाड़ा जिला है वहां पर आपको बिजोलिया नजर आएगा, और उस समय एट दैट टाइम इट वॉज अ ठिकाना ऑफ मेवाड़ प्रिंसली स्टेट। ठीक है, अभी प्रेजेंटली तो ये भीलवाड़ा में है, वर्तमान में प्रेजेंटली हम कहें तो, और उस समय का एक ठिकाना था किसका, मेवाड़ का। ठीक है, अब थोड़ा सा हमें पीछे चलना पड़ेगा कि बिजोलिया का जो स्थापना थी इसकी फाउंडेशन कैसे पड़ी। देखिए आगे हम पढ़ेंगे महाराणा सांगा जो मेवाड़ के बड़े प्रसिद्ध एक शासक हुए, संग्राम सिंह फर्स्ट और सांगा। महाराणा सांगा ने पहली और अंतिम बार राजपूत शासकों का एक संघ बनाया था, एक यूनियन जो है ना उन्होंने बनाई थी, किसके खिलाफ, बाबर के खिलाफ। बाबर से लड़ने के लिए इन्होंने देखा कि बाबर इतना शक्तिशाली है, अत्याधुनिक इसके पास में हथियार है, गोला बारूद का पहली बार अगर प्रयोग किया था भारत में तो वो बाबर ही था, तो उसके पास में बड़े ही सोफिस्टिकेटेड
जो आपके हथियार वगैरह थे वो थे, और दूसरा उनके पास में एक बड़ी सेना भी थी। तो इसका मुकाबला करने के लिए सांगा ने पहली और आखिरी बार, भाई पहली बार तो चलो इससे पहले तो यूनाइट हो नहीं सके, आखिरी बार इसलिए क्योंकि इसके बाद जो राजपूत शासक थे वो कभी भी यूनाइट नहीं हो सके। हाँ, कोशिश की गई, आगे हम पढ़ेंगे मीडियवल में होर्डा कॉन्फ्रेंस, होर्डा सम्मेलन, वहां पर सवाई जयसिंह ने कोशिश की थी, जो जयपुर के शासक थे, कि सभी राजपूत लोग एक हो जाएं, किसके खिलाफ, मराठों के खिलाफ, जब मराठे उनको परेशान कर रहे थे। लेकिन वो जो कॉन्फ्रेंस थी होर्डा कॉन्फ्रेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैं आगे लिखाऊंगा आपको मीडियवल में जब हम सवाई जयसिंह पढ़ेंगे। तो ये जो होर्डा कॉन्फ्रेंस थी ये विफल हो गया था, यानी राजा अपने अपने स्वार्थों के चलते यूनाइट नहीं हो पाए, और यही रीजन था कि यहां पर बाबर सफल रहा। तो खैर, अब यहां पर क्या है, एक संघ बना है, कॉन्फेडरेशन बना है, बाबर ने बनवाया है। तो बाबर ने जो सांगा ने बनाया है, तो सांगा ने जो संघ बनाया उसमें अलग अलग जो शासक थे वो सम्मिलित हुए थे। ऐसे ही जगनेर प्लेस है जो प्रेजेंटली आगरा में पड़ता है, ठीक है। जगनेर का शासक था अशोक परमार, ये जो अशोक परमार था ये उस संघ में सम्मिलित हुआ, और इसके आगरा से आकर उस संघ में सम्मिलित होने के कारण, सांगा की मदद करने के कारण इसको जागीर दी गई सांगा द्वारा, जिसको कहा गया ऊपरमाल की जागीर। ये ऊपरमाल की जागीर लगभग 250 वर्ग किलोमीटर, 250 स्क्वायर किलोमीटर की जागीर थी जो कि इसको दी गई थी। आप पढ़ेंगे ज्योग्राफी में या पढ़ लिया होगा कि ऊपरमाल का पठार, ठीक है, तो वो ऊपरमाल का पठार इस ऊपरमाल की जागीर के कारण ही कहलाया, ठीक है। तो अब ये ऊपरमाल का जो एरिया था ये आपका भीलवाड़ा बूंदी इस तरफ जाना ये था, और इसी में अशोक परमार ने इसी जागीर के अंदर बिजोलिया की स्थापना की। बिजोलिया पहले गांव था, उसके बाद एक ठिकाना बना, ठीक है। तो ये इस तरीके से बिजोलिया जो है वो अस्तित्व में आया था। क्वेश्चन पूछा गया था कि बिजोलिया की स्थापना करने वाला कौन था, तो दैट वाज अशोक परमार, ठीक है। फिर ये भी पूछा गया था कि अशोक परमार को ऊपरमाल की जागीर किसके द्वारा दी गई थी, तो वो था सांगा। तो इस तरीके से सांगा ने जो जागीर दी थी अशोक परमार को, उसी में इसने बिजोलिया की स्थापना की। पहले गांव था और बाद में बन गया एक ठिकाना, ठीक है। तो भाई इस तरीके से आपका ये जो बिजोलिया है ये अस्तित्व में आया। तो चलिए लिखेगा, वर्तमान भीलवाड़ा में स्थित बिजोलिया, वर्तमान भीलवाड़ा में स्थित भाई, मैंने आपको लिखवाया था जब हम डायलेक्ट्स लिख रहे थे तब मैंने आपको एरियाज भी बताए थे, और हमने पढ़ी थी एक मेवाड़ी डायलेक्ट, और मेवाड़ी डायलेक्ट बोली जाती है मेवाड़ में, और मेवाड़ में मैंने आपको एरिया में लिखवा चुका हूं कि उसमें आता है आपका उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, देन आपका चित्तौड़गढ़, नॉर्थ प्रतापगढ़ एंड सराउंडिंग एरिया, ठीक है। तो ये भीलवाड़ा जो है पहले मेवाड़ में ही आता था, इसलिए ठीक है। कृष्ण कुमार जी, पाती परवन, बिल्कुल सही है, वो जो संघ बनाया था पाती परवन कहलाया, ठीक है, वो आगे लिखेंगे हम लोग। सौरभ जी कह रहे हैं साधु सीताराम दास के कहने पर पथिक जी इस आंदोलन में आए थे, ना कि जागीर दी गई थी साधु सीताराम दास के कहने पर। साधु सीताराम दास तो थे ही नहीं बेचारे। चलिए भाई, 1913 में उन्होंने जो ना इसका कार्यभार संभाला है इस आंदोलन का। चलिए, तो वर्तमान भीलवाड़ा में स्थित
बिजोलिया तत्कालीन मेवाड़ रियासत का एक ठिकाना था, तत्कालीन मेवाड़ रियासत का एक ठिकाना था। प्रेजेंटली सिचुएटेड इन भीलवाड़ा, प्रेजेंटली सिचुएटेड इन भीलवाड़ा, बिजोलिया वॉज द ठिकाना ऑफ मेवाड़, बिजोलिया वॉज द ठिकाना ऑफ मेवाड़ एट दैट टाइम, बिजोलिया वॉज द ठिकाना ऑफ मेवाड़ एट दैट टाइम। ठीक है, चलिएगा अब लिखिएगा। बाबर के खिलाफ सांगा ने, बाबर के खिलाफ सांगा ने राजपूतों का एक संघ बनाया, राजपूतों का एक संघ बनाया, बाबर के खिलाफ सांगा ने राजपूतों का एक संघ बनाया जिसमें जगनेर, ब्रैकेट में लिखेगा आगरा, जगनेर निवासी अशोक परमार भी सम्मिलित हुआ, जिसमें जगनेर निवासी अशोक परमार भी सम्मिलित हुआ, जिसमें जगनेर निवासी अशोक परमार भी सम्मिलित हुआ। अतः सांगा ने इसे ऊपर माल की जागीर प्रदान की, अतः सांगा ने इसे ऊपर माल की जागीर प्रदान की। सांगा फॉर्म्ड अ राजपूत यूनियन, सांगा फॉर्म्ड अ यूनियन ऑफ राजपूत, ऐसे लिख लीजिएगा, यूनियन ऑफ राजपूत रूलर्स, यूनियन ऑफ राजपूत रूलर्स। इन विच रेजिडेंट ऑफ जगनेर और द रूलर ऑफ जगनेर, आप ये भी कह सकते हैं, इन विच रूलर ऑफ जगनेर, ब्रैकेट में आगरा, सेंटेंस सही बना कि नहीं बना, लंबा सेंटेंस है, वॉज ऑल्सो ज्वाइंट दैट्स वाई सांगा प्रोवाइडेड हिम, जागीर ऑफ ऊपरमाल, ऊपरमाल। इस जागीर में अशोक ने बिजोलिया की स्थापना की, इस जागीर में अशोक ने बिजोलिया की स्थापना की। इन दिस जागीर अशोक फाउंडेड बिजोलिया, इन दिस जागीर अशोक फाउंडेड बिजोलिया, इन दिस जागीर अशोक फाउंडेड बिजोलिया। ठीक है भाई, ये हो गया आपका शुरुआती बात, बिजोलिया के कहां से आया बिजोलिया। अब देखिए यहां पर ये जो मूवमेंट था ये शुरू क्यों हुआ, क्या रीजन था इस मूवमेंट के शुरू होने के पीछे। रीजन वही था, कोई भी किसान आंदोलन होगा उसके पीछे रीजन वही है कि जो शोषण हो रहा था यहां पर। ठीक है, अब ये आंदोलन कब शुरू हुआ, तो शुरुआत की अगर हम बात करते हैं, इस आंदोलन की शुरुआत होती है 1898 से,
ठीक है, हिंदी वाले इसी तरह से शॉर्ट में जो जो हिंदी में नोट्स बना रहे हैं वो प्लीज इसी तरीके से नोट्स आपके बनाए शॉर्ट में। शुरुआत हुई 1898 में और हाथों हाथ आप जो ना लिखते भी चले 1898 में, और ये चला कब तक, 1941 तक। ये भारत का पहला अहिंसक नॉन वायलेंट किसान आंदोलन था जो लास्ट में सक्सेसफुल भी रहा। हम देखेंगे मैक्सिमम जो किसान आंदोलन है सबको क्रश कर दिया गया था, सबको कुचल दिया गया था, लेकिन ये पहला आंदोलन था जो सफल भी रहा था। ठीक है, तो ये सबसे लंबा आंदोलन भारत का, न सिर्फ राजस्थान का बल्कि भारत का सबसे लंबा चलने वाला ये आंदोलन था। साथ ही साथ ये नॉन वायलेंट भी था, अहिंसक भी था। ठीक है, तो लिखेगा इसकी शुरुआत, इस आंदोलन की शुरुआत 1898 से 1941 तक, शुरुआत 1898 में हुई जो 1941 तक चला। दिस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन 1898 एंड इट वॉज कंटिन्यूड टू 1941 and it was continued to 1941. भाई थोड़ा सा आप फास्ट लिखने की कोशिश कीजिए, अब वो मेरा ध्यान भी नहीं रहता। आप कह रहे कि भीलवाड़ा वाली लाइन, अब भीलवाड़ा वाली लाइन कौन सी लाइन थी, मैंने ये लिखवाया था कि वर्तमान भीलवाड़ा में स्थित बिजोलिया मेवाड़ का एक ठिकाना था। प्रेजेंटली सिचुएटेड इन भीलवाड़ा, बिजोलिया वॉज द ठिकाना ऑफ मेवाड़ स्टेट। चलिएगा, सुशांत तो राजा भी करते थे ना, क्या भाई समझ में नहीं आया क्या कहा आपने, ये सुशांत व्हाट इज सुशांत, सुशांत तो राजा भी करते थे ना, नहीं समझ में आया भाई। तीन तीन चरण में हुआ था ना सर, हाँ बिल्कुल, इसके अलग अलग चरण हैं। तो पहला चरण जो है यहाँ से आपका शुरू होता है 1898 से, और जब तक पथिक ने एंटर नहीं कर गया, फिर पथिक की एंट्री के बाद में पथिक जब उससे बाहर निकल गए, और फिर लास्ट में इस तरीके से। ठीक है, शोषण, अच्छा शोषण ठीक है, ये बात सही है कि शोषण जो है वो राजा भी करते थे, लेकिन देखिए उसके पीछे एक थोड़ा सा ये होता था, जैसे हम बात करें कि कोई व्यक्ति परिवार में किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में भेदभाव करता है, तो ठीक है भेदभाव कर रहा है, लेकिन क्योंकि वो उसका अपना है तो कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर जरूर होगा। लेकिन अगर कोई बाहर वाला उस परिवार में आ जाए और वो उसके साथ में भेदभाव करे, तो उसका उसके साथ में कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होगा। तो सेम ये चीज थी कि क्योंकि राजा थे, यहीं के थे, और प्रजा भी उनकी यहीं की थी, तो एक सॉफ्ट कॉर्नर होता था राजाओं का अपनी प्रजा के प्रति। लेकिन अंग्रेजों को उससे कोई मतलब नहीं था, उन्होंने आते ही जो है जबरदस्त शोषण किया। इनके शोषण में और राजाओं के शोषण में अंतर होता था। कई बार जैसे फसल नष्ट हो गई, कुछ नहीं बचा, तो राजा दया कर देते, ठीक है भाई छोड़िए आप, या फिर धीरे धीरे करके चुका देना। लेकिन अंग्रेज कहते थे कि नहीं साहब, आपको ये लैंड रेवेन्यू देना ही होगा, अब हमें नहीं पता कहां से लेके आओगे, खुद को बेचो, मवेशियों को बेचो, घर गिरवी रखो, घर वालों को बेचो, हमें कोई मतलब नहीं, हमें लगान से मतलब है। और अगर आपने लगान नहीं दिया तो बुरी तरह से मारा जाता था, इतनी बुरी तरह से कि वो मर भी जाते थे। ठीक है, संघ का मतलब है, संघ क्या है आपने पूछा है, तो संघ का मतलब यह है कि एक यूनियन बनाया जाए, सब यूनाइट होकर के एक साथ लड़े। जैसे हमने देखा 1857 की क्रांति में जो राजा लोग थे वो या फिर सॉरी उसके नहीं, मराठों में, मराठों के खिलाफ वो कभी एक नहीं हो पाए, इसलिए मराठों ने यहां पर अपना जो है एक तरह से इनडायरेक्ट वे में चौथ वसूली की और यहां पर शासन भी किया इनडायरेक्टली। ठीक है ना, तो
अगर हम संघ की बात करते हैं, यूनियन उन्होंने बनाया था, तो सब इकट्ठे होकर किसके अंडर, सांगा के अंडर सब एक साथ ने अटैक किया था बाबर पर। और यही रीजन है कि सांगा केवल एक खानवा का बैटल छोड़ दें तो बाकी सारे युद्ध उसने जीते थे। हालांकि शुरू में तो संघ बना नहीं था, संघ तो बाद में बना था बाबर के खिलाफ, सांगा खुद एक प्रबल शासक था, लेकिन फिर भी उसने एक संघ बनाया। संघ का मतलब है एक यूनियन उसने बनाई, और सांगा की छत्र छाया में सारे के सारे यूनाइट हुए थे। चलिए भाई, अब देखिए ये बात 1898 से कैसे शुरू हुई, इसकी हम जरा बात कर लेते हैं। तो यहां पर जो ठिकानेदार थे बिजोलिया के, वो थे कृष्ण सिंह। कृष्ण सिंह बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे, और उस समय मेवाड़ के जो महाराणा थे, वहां के शासक थे, वो थे आपके फतेह सिंह। तो किसानों ने डिसाइड किया कि यार ये कृष्ण सिंह हम पर इतना ज्यादा अत्याचार करता है, तो हमारे शासक हैं फतेह सिंह, तो क्यों ना फतेह सिंह के पास जाया जाए और कृष्ण सिंह के खिलाफ उसकी शिकायत की जाए, तो हो सकता है मेवाड़ के महाराणा हमारी बात को सुनकर हम पर कुछ दया करें और कृष्ण सिंह को कुछ टाइट करें ताकि ये इतना अत्याचार ना कर सके। तो फिर क्या किया गया, अब सारे किसान तो जा नहीं सकते थे, इसीलिए इन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव चुने, अपने दो नेता चुने कि भाई आप हमारी बात, हमारी तरफ से हमारे आप रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो आप जाकर हमारी बात वहां तक पहुंचाइए। तो नानजी पटेल और ठाकरी पटेल, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल, इन दोनों लोगों को भेजा गया। कहां पर भेजा गया, वहां मेवाड़ के महाराणा उदयपुर में भेजा गया कि भाई आप हमारे प्रतिनिधि हैं, तो आप हमारी बात, सभी किसानों की जो भी शिकायतें हैं वो आप दोनों उनसे जाकर करिए। तो ये दोनों पहुंचते हैं, काफी दिनों बाद दरबार में एंट्री मिली, लेकिन हुआ ये कि मेवाड़ के महाराणा ने केवल उनको एश्योरेंस दिया, आश्वासन दिया कि ठीक है मैं कुछ करवाता हूं, और उन्होंने एक जांच दल भी भेजा, और उस जांच दल ने आकर कहा कि हाँ साहब वाकई में किसानों पर बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है। तो कृष्ण सिंह ने पहले तो वेट किया कि देखें क्या होता है, क्या मेरे खिलाफ एक्शन लिया जाता है फतेह सिंह द्वारा, लेकिन फतेह सिंह ने कृष्ण सिंह के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया। जब काफी समय हो गया फतेह सिंह ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो कृष्ण सिंह समझ गया कि मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने वाली, तो उसने उत्साहित होकर इस बात से ठाकरी पटेल और नानजी पटेल दोनों को बिजोलिया से बाहर कर दिया, निष्कासित कर दिया, निकाल दिया। तो अब जैसे ही इनको निकाला, ये बात है आपकी 1898 की, तो यहीं से किसान आंदोलन शुरू हो गया। शुरुआती दौर में यहां पर इनका हमें कोई लीडर नजर नहीं आता, ये स्वतः स्फूर्त था, अपने आप था, ठीक है। तो सभी किसान यहां पर आंदोलन कर रहे हैं, तो इस तरीके से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो लिखेगा 1898 में किसानों ने, थोड़ा जल्दी लिखेगा, 1800 अशोक परमार को भरतपुर का बता रखा है। देखिए जो जगनेर है, उस समय जो आपका भरतपुर वाला एरिया था, मे भी हो सकता है, लेकिन अगर हम प्रेजेंटली देखें तो आगरा जो है उसमें आता है आपका जगनेर, और ये खुद मेरा देखा हुआ है, मैं आई विटनेस हूं इस बात का, तो इसलिए इसमें तो मैं बुक की भी नहीं मानूंगा, ठीक है। जगनेर प्रेजेंटली आगरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, यूपी में पड़ता है प्रेजेंटली, ठीक है। तो जो आपसे कभी पूछता है कि ये कहां स्थित है, तो प्रेजेंट जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग पूछता है, ठीक है। यूपी में है भैया, कंफर्म है, उस टाइम होगा मे बी, हो सकता है जो भरतपुर राज्य था उसके अंतर्गत आता हो, लेकिन वही वाली बात है कि भरतपुर राज्य की बात कोई नहीं करेगा, प्रेजेंटली आपसे पूछता है कहां है, इस समय कहां सिचुएशन है उसकी। चलिएगा, तो 1898 में किसानों ने ठिकानेदार कृष्ण सिंह के खिलाफ किसानों ने
ठिकानेदार कृष्ण सिंह के खिलाफ शिकायत लेकर मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के दरबार में नानजी पटेल व ठाकरी पटेल को अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा इन 1898 फार्मर्स सेंट नानजी पटेल एंड ठाकरी पटेल इन 1898 फार्मर्स सेंट नानजी पटेल एंड ठाकरी पटेल इन द कोर्ट ऑफ महाराणा फतेह सिंह as their representative कोई कार्यवाही ना होने पर कृष्ण सिंह ने फतेह सिंह ने दोनों को बिजोलिया से बाहर कर दिया तथा यह आंदोलन शुरू हो गया। When no action was taken against Krishna Singh, against Krishna Singh, then he sent Nanji and Thakri out of Bijolia. It was the beginning of this movement. या फिर यूं लिख सकते हैं and this movement was started by farmers. हाँ, कृष्ण सिंह ने वह उनको बाहर कर दिया। ठीक है भाई, और यहीं से जो है आंदोलन की शुरुआत हो गई। ये बात है आपकी 1898 की। अब देखिए, एक बार यह भी क्वेश्चन पूछा गया था कि यह आंदोलन किस जाति द्वारा किया गया। जातियां तो बहुत थी भाई, लेकिन यहां पर बिजोलिया में 60% जो जाति थी वो थी धाकड़ जाति। तो ये क्योंकि 60% थे, मेजोरिटी में थे, इसलिए माना जाता है कि धाकड़। ठीक है, तो लिखेगा
इस आंदोलन में मुख्यतः धाकड़ जाति के किसान सम्मिलित थे। इस आंदोलन में मुख्यतः धाकड़ जाति के किसान सम्मिलित थे। मेनली धाकड़ कास्ट वॉज इन्वॉल्व इन दिस मूवमेंट। मेनली धाकड़ कास्ट वॉज इन्वॉल्व इन दिस मूवमेंट। देयर वॉज नो लीडर इन द बिगनिंग। यह आंदोलन स्वतः स्फूर्त था। There was no leader in the beginning. सभी मतलब किसानों ने ही जो है ये आंदोलन किया था। अब देखिए आंदोलन चल रहा है कृष्ण सिंह के खिलाफ और 1903 में एक स्पेशल घटना घटती है। क्या घटना घटती है कि 1903 में कृष्ण सिंह ने एक नई लाग बाग लागू की, यानी कि एक नया सब टैक्स लागू कर दिया, ठीक है, और वो था चंवरी कर। इसको जरा गौर से समझिएगा, दो बार क्वेश्चन पूछा गया है, चंवरी लाग या चंवरी कर, चंवरी लाग या चंवरी कर, ये लागू कर दिया किसानों पर। कब? 1903 में। अब ये क्या था, देखिए जब भी किसी किसान की बेटी की शादी होगी तो उसे 5 रुपए का टैक्स देना होगा ठिकानेदार को। आई रिपीट, जब भी किसी किसान की बेटी की शादी होगी तो उसे 5 रुपए की लाग बाग या 5 रुपए का सब टैक्स देना होगा। किसको? ठिकानेदार को, कृष्ण सिंह को। एक बेटी की शादी है 5, दो बेटियों की एक साथ कर रहा है 10 रुपए दे दो। अब आप कहोगे 5 रुपए 10 रुपए इसके इसको जो ना इसके अगेंस्ट चले गए, वो और ज्यादा जो है आंदोलन तेज हो गया। लेकिन हम बात कर रहे हैं 1903 की। आज भी कोई भीख हमसे मांगता है तो हमारी जेब से जनरली 1 का सिक्का या 2 का सिक्का अगर हो तो वो हम देते हैं पहले, अगर वो नहीं होगा तो हम 5 रुपए भेजाएंगे या 10 रुपए भेजाएंगे। बात समझ में आ गई? तो आज की बात मैं आपसे कह रहा हूं, ये बात है 1903 की। उस समय 5 रुपए क्या अहमियत रखते होंगे आप समझ सकते हैं। इसके खिलाफ किसानों ने बहुत ज्यादा विरोध किया और उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम यहां पर नहीं रहेंगे, कि ये तो अत्याचार पे अत्याचार करे जा रहा है। ऐसा करो, अपना माल उठाओ, अपना सामान उठाओ और अपना टंडेरा लेकर के रवाना हो जाओ, यहां से बिजोलिया से निकल जाते हैं। अरे भाई, कम से कम कहीं बाहर जाएंगे, कुछ भी करेंगे, कुछ मजदूरी वजदूरी करेंगे, पर कम से कम इस अत्याचारी से तो मुक्ति पाएंगे। और जब हम यहां रहेंगे ही नहीं तो फिर ये टैक्स कहां से देगा, ये लगान कहां से देगा मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को। तो किसानों ने अपना सामान बांधा, अपनी बैलगाड़ी में लादा और सब रवाना हो गए। अब जब कृष्ण सिंह को इस बात का पता चला तो उसे घबराहट हो गई, भाई जब जनता ही चली जाएगी तो लगान तो देना पड़ेगा, जो हर साल वार्षिक उसको देना होता है, वो कहां से देगा वो। तो वो तुरंत भागा भागा पहुंचता है किसानों के पास में, उनसे कहता है कि भाई देखो, ये जो चंवरी कर मैंने लगाया था इसको मैं वापस ले रहा हूं, ठीक है, आप लोग वापस आ जाओ, और आपका जो लैंड रेवेन्यू है, यानी कि जो 50% था उस समय, जो बढ़कर के 50% हो गया था, जो कभी मध्यकाल में 1/3 लिया जाता था, इसको मैं घटा करके 2/5 कर रहा हूं, यानी कि ये 50% से घटाकर कितना हो गया, 40% हो गया आई थिंक, तो इसको घटा करके मैं 40% कर रहा हूं भाई, आप लोग वापस आ जाओ, और ये 84 लाख जो मैंने लगाया था इसको भी मैं वापस ले रहा हूं। अब किसान वापस तो आ गए, लेकिन उन्होंने कहा कि यार आपने तो मतलब 84 लाख लगाया और फिर वापस ले लिया, यानी एक कदम आगे रखा और फिर एक कदम वही वापस, तो हम तो वहीं के वहीं हैं जहां हमारा आंदोलन चल रहा था, और ये भी 40% करके क्या आप कर रहे हो, तो बहुत ज्यादा अभी भी, आप इसको वापस 33% पर लेकर जाइए, और दुनिया भर की जो लाग बाग आपने लागू की है वो भी आपको वापस लेनी होगी। वापस तो किसान आ गए उसके एश्योरेंस पर कि चलो मैं उस पर भी देखता हूं, उसको भी वापस लेंगे, धीरे धीरे करके लेंगे, लेकिन किसानों ने अपना आंदोलन जारी रखा।
यहां तक बात समझ में आ गई होगी। तो ये चावरी कर क्या था, ये क्वेश्चन दो बार पूछा गया है, या चावरी लाग क्या थी ये पूछा गया है दो बार, ठीक है। ठीक है, आप अपनी वैल्यू लगा सकते हैं, क्या कुछ उस समय 5 रुपए की वैल्यू होगी। चलिएगा तो लिखेगा 1903 में कृष्ण सिंह ने, 1903 में कृष्ण सिंह ने चावरी लाग या चावरी कर, यहीं पर ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, किसानों की बेटी के विवाह पर, किसानों की बेटी के विवाह पर या किसान की बेटी के विवाह पर ठिकानेदार को दी जाने वाली 5 रुपए की लाग, ठिकानेदार को दी जाने वाली 5 रुपए की लाग, किसान की बेटी के विवाह पर ठिकानेदार को दी जाने वाली 5 रुपए की लाग। 1903 में कृष्ण सिंह ने चावरी कर या चावरी लाग लागू की, ब्रैकेट बंद करके लागू की, इन 1903 कृष्ण सिंह इंट्रोड्यूस्ड, इन 1903 कृष्ण सिंह इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू सब टैक्स और लाग, चावरी लाग, इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू न्यू सब टैक्स और लाग, चावरी लाग, ब्रैकेट में लिखिएगा, ऑन द मैरिज ऑफ फार्मर्स डॉटर, फार्मर्स डॉटर, ऑन द मैरिज ऑफ फार्मर्स डॉटर 5 रुपीज, 5 रुपीज वर टू बी पेड टू कृष्ण सिंह। ब्रैकेट बंद। इन 1903 कृष्ण सिंह इंट्रोड्यूस अ न्यू सब टैक्स चावरी लाग। किसानों द्वारा अत्यधिक विरोध किए जाने पर, किसानों द्वारा अत्यधिक विरोध किए जाने पर चावरी लाग वापस ली गई, चावरी लाग वापस ली गई तथा भू राजस्व 1/2 से घटाकर 2/5 कर दिया गया, तथा भू राजस्व 1/2 से घटाकर 2/5 कर दिया गया। फार्मर अपोज्ड दिस स्ट्रिक्टली, फार्मर अपोज्ड दिस स्ट्रिक्टली That's why this subtax was taken back. That's why this subtax was taken back and land revenue was also decreased. And land revenue was also decreased. And land revenue was also decreased from 50% to 40%. किंतु आंदोलन चलता रहा, किंतु आंदोलन चलता रहा, but the movement was
still continued. But the movement was still continued. ये हो गई भाई 1903 तक की बात. अब हम आगे चलें जरा, तो हम देखते हैं कि 1906 में एक और घटना घटती है. कृष्ण सिंह जो थे इनकी हो गई डेथ, ऊपर चले गए, ठीक है. और नया जो ठिकानेदार बना वो बना पृथ्वी सिंह. ठीक है भाई, 1906 में हो जाती है डेथ कृष्ण सिंह की और पृथ्वी सिंह जो है वो बनते हैं नए ठिकानेदार. अब इन्होंने, पृथ्वी सिंह ने क्या किया है कि जो तलवार बंधाई है वो जनता पर थोप दी. जनता पर थोप दी है, जनता से वसूल की है. अब ये तलवार बंधाई क्या है, ये क्वेश्चन भी दो बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है. अब ये तलवार बंधाई क्या होता है ये देखते हैं जरा. देखिए, एक ट्रेडिशन था पहले कि जब भी कोई नया ठिकानेदार गद्दी पर बैठेगा, यानी वो नया ठिकानेदार बनेगा, तो उसे एक पर्टिकुलर अमाउंट, एक निश्चित धनराशि मेवाड़ के महाराणा को देनी होती थी, तभी वो गद्दी पर बैठ सकता था. अब वो कितनी होगी ये डिसाइड मेवाड़ का महाराणा करता था कि साहब आप गद्दी पर बैठ रहे हैं तो आप मुझे इतनी धनराशि दीजिए, अगर आप देते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर कोई और बन जाएगा. तो ये जो धनराशि होती थी, ये जो फिक्स्ड अमाउंट होता था सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो भी महाराणा डिसाइड करता था, इस अमाउंट को कहा जाता था तलवार बंधाई, क्योंकि ये ठिकानेदार तलवार बांध कर गद्दी पर बैठता था तो साहब दीजिए तलवार बंधाई, आप गद्दी पर बैठेंगे तलवार बांध कर तभी जब आप तलवार बंधाई दे देंगे, मुझे वो निश्चित अमाउंट दे देंगे. आई थिंक तलवार बंधाई का मामला आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है. तो उस समय पृथ्वी सिंह ने, किस समय, बात हम 1906 की कर रहे हैं, देखिए उस समय पृथ्वी सिंह ने मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को 1,00,000 रुपए की तलवार बंधाई दी थी. किसको? मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को. अब आप सोचिए 1,00,000 रुपए. अब देखिए ये कोई लाख बाग है नहीं, अभी तक जब तक कि पृथ्वी सिंह गद्दी पर नहीं बैठे हैं, ये कोई लाख बाग नहीं. लाख बाग ली जाती थी जनता से, ये तो ठिकानेदार और मेवाड़ के महाराणा के बीच का मामला था, ठीक है. लेकिन पृथ्वी सिंह ने इसको लाख बाग बना दिया, जनता से वसूली 1,00,000 रुपए की धनराशि. अब आप सोच सकते हैं कि 1906 में 1,00,000 रुपए क्या मायने रखते होंगे. तो 1,00,000 रुपए जनता से कहा कि भाई मैंने जो तलवार बंधाई मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को दी है आप मुझे दीजिए. अब ये बहुत बड़ी धनराशि थी, ठीक है. इसको हम उत्तराधिकार शुल्क भी कह सकते हैं, जो भी उत्तराधिकार होगा, उत्तराधिकारी होगा, सक्सेसर जो भी होगा उसको शुल्क देना होगा, ठीक है. इसको उत्तराधिकार शुल्क भी हम कह सकते हैं. तो क्वेश्चन पूछा गया था तलवार बंधाई क्या थी, तो एक बार तो पूरा डिटेल में आंसर था कि नए ठिकानेदार द्वारा मेवाड़ के महाराणा को दी जाने वाली निश्चित धनराशि, और दूसरी बार फिर पूछा गया तलवार बंधाई क्या था, तो आंसर था उत्तराधिकार शुल्क, ठीक है भाई. तो इस तरीके से ये तलवार बंधाई जनता से वसूली. अब जनता ने बहुत ज्यादा इसका विरोध किया और आगे चलकर, विरोध चलते हुए आगे चलकर हमें 3 लीडर्स यहां पर नजर आते हैं. द मेन वॉज साधु सीताराम दास, फतेह करण चारण और ब्रह्मदेव. ये 3 आगे, फिर इनकी लीडरशिप में ये आंदोलन आगे बढ़ा, ठीक है भाई. बात समझ में आ गई आपके. और ये आंदोलन तब तक बढ़ता चला गया, तब तक रहा जब तक कि पथिक, विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन में एंट्री नहीं कर ली.
तो जब तक विजय सिंह पथिक की एंट्री नहीं हुई तब तक ये फर्स्ट फेज चल रहा है इसका, और जैसे ही पथिक जी इसमें एंट्री लेते हैं तो फेज शुरू हो जाता है, फेज नंबर टू। ठीक है, तो लिखिएगा 1906 में कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद, 1906 में कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद पृथ्वी सिंह नए ठिकानेदार बने। इन्होंने तलवार बंधाई, ब्रैकेट में लिखिएगा, नए ठिकानेदार द्वारा मेवाड़ के महाराणा को दी जाने वाली निश्चित धनराशि, या उत्तराधिकार शुल्क ब्रैकेट बंद। इन्होंने तलवार बंधाई, ब्रैकेट के बाद अब लिखिएगा, जनता से वसूल की। इन 1906 आफ्टर द डेथ ऑफ कृष्ण सिंह पृथ्वी सिंह बिकेम द न्यू ठिकानेदार। ही कलेक्टेड तलवार बंधाई, ब्रैकेट में लिखिए, अ फिक्स्ड अमाउंट given by new ठिकानेदार to the Maharana of Mewar, ब्रैकेट बंद। ही कलेक्टेड तलवार बंधाई, ब्रैकेट बंद के बाद लिखिएगा, from the farmers of Bijolia। किसानों ने इसका विरोध करते हुए आंदोलन को और अधिक तेज किया। Farmers opposed this and protested rigorously.
farmers oppose this rigorously. ठीक है भाई, आगे चलकर इस आंदोलन का नेतृत्व, आगे चलकर इस आंदोलन का नेतृत्व साधु सीताराम दास फतेहकरण चारण तथा ब्रह्मदेव आगे चलकर इस आंदोलन का नेतृत्व साधु सीताराम दास फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव ने किया। After some time, three leaders were emerged in this movement. After some time, three leaders were emerged in this movement. Sadhu Sitaram Das, Fateh Karan Charan, and Brahmadev. Sadhu Sitaram Das, Fateh Karan Charan, and Brahmadev. मेन वर्ड कौन से लिखूं भाई? अब आप कह रहे हैं मेन वर्ड जरा इंग्लिश में बोर्ड पर लिख दीजिएगा, तो नहीं, ये 1 लाख फिक्स नहीं था भाई, वो डिपेंड करता था, मैंने कहा ना अकॉर्डिंग टू टाइम ये जो है चेंज होता रहता था भाई। मेवाड़ का महाराणा कह रहा है कि साहब अभी तो हो सकता है कि 1 लाख रुपए हो, आगे चल के उसने 1.5 लाख कर दिया हो, और आगे चल के और 2 लाख कर दिया हो, मतलब ये बढ़ता जाता था, कम नहीं होता था। अकॉर्डिंग टू टाइम ये जो है ना, टाइम टू टाइम जो है ना, इसको चेंज करते रहते थे, और ये मेवाड़ का महाराणा ही डिसाइड करता था। ठीक है, फार्मर अपोज्ड के बाद दो वर्ड, अब मैं तो भूल गया भाई वो क्या सेंटेंस बनाया था मैंने, एक बार बता दिया फिर मेरे दिमाग से नहीं आता भाई वो क्या है, अब मैं तो सेंटेंस ही भूल गया। फार्मर्स अपोज दिस रिगरसली, अच्छा, ओके ठीक है। अब एक बात बताइए, ना आपको इंग्लिश आ रही है ना आपको हिंदी आ रही है, तो आता क्या है फिर, मैं कैसे मतलब हर चीज लिखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। इंग्लिश मीडियम वाले आप, मेरे ख्याल में सभी लोग इंग्लिश मीडियम वाले ही होंगे जहां तक मैं समझ रहा हूँ, बीटेक इंग्लिश मीडियम में ही होता है, तो इतना तो मेरे ख्याल में आता होगा, या चलिए खैर उन्होंने लिख दिया वैसे। मारवाड़ी, अच्छा मारवाड़ी में बीटेक की है, चलिए बड़ी अच्छी बात है। चलिए खैर, अब हम चलते हैं आगे, अब हम देखते हैं इसका दूसरा फेज शुरू होता है जहां पर 1916 में विजय सिंह पथिक एंट्री लेते हैं इस आंदोलन में। तो हेयर कम्स अ न्यू हीरो, प्लीज वेलकम विजय सिंह पथिक। ठीक है, चलिए अब देखिए 1916 में विजय सिंह पथिक इस आंदोलन में एंट्री लेते हैं। देखिए पूछा गया था कि विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था, ठीक है, तो अब इनके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी ले लेते हैं। तो इनका रियल नेम था भूप सिंह, और ये रिवोल्यूशनिस्ट थे, ठीक है, क्रांतिकारी थे, और राजस्थान के नहीं थे, ये थे गुठावली ग्राम। जो कि आपका बुलंदशहर में पड़ता है यूपी में, ठीक है, यहां के ये निवासी थे।
अब ये राजस्थान क्या करने आए भाई? तो देखिए, ये राजस्थान आए एक हमारे क्रांतिकारी थे, रास बिहारी बोस, शायद आपने नाम सुना होगा, रास बिहारी बोस। लॉर्ड हॉर्डिंग्स पर जो बम फेंका गया था उसमें मास्टरमाइंड थे रास बिहारी बोस। तो रास बिहारी बोस जो थे उन्होंने इनको भेजा था राजस्थान में, और रास बिहारी बोस का एक प्लान था कि 1857 की क्रांति इसलिए विफल हो गई क्योंकि वो ऑर्गेनाइज नहीं थी, अलग अलग जगह पर छोटे छोटे पार्ट्स में वो अलग अलग जगह पर हुई, इसलिए अंग्रेजों को उसको क्रश करने में आसानी रही। काश कि 1857 की क्रांति एक साथ एक ही समय पर पूरे भारत में होती तो एक झटके में हम उनको निकालकर बाहर कर सकते थे। तो उन्होंने प्लानिंग की कि हम एक कहना चाहिए कि क्या कहेंगे उसको, क्रांति, मतलब हम एक क्रांति कर दें यहां पर कि एक ही समय पर एक साथ सभी जगह क्रांति हो जाए। लेकिन उसके लिए सभी जगह जाकर के सबको बताना पड़ेगा कि भाई ये समय है, इस समय आप लोग यहां पर क्रांति कर देंगे, वो वहां पर कर देंगे, सब एक साथ कर देंगे। तो अंग्रेज लोग, ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए यहां क्रांति हो रही है, आज यहां क्रांति हुई तो साहब पता चला जितने भी अंग्रेज थे अड़ोस पड़ोस के भी और यहां के भी सब इसके खिलाफ इसको दबाने में लग गए, फिर चार पांच दिन बाद यहां हो गए तो फिर उन्होंने इसको दबा दिया। तो अगर हर जगह एक साथ क्रांति हो गई तो फिर अंग्रेज उसको दबा पाना मुश्किल होगा और हम एक ही झटके में अंग्रेजों को बाहर कर देंगे। तो इसलिए उन्होंने भूप सिंह को भेजा है राजस्थान। तो यहां के एक क्रांतिकारी है राजस्थान में, गोपाल सिंह खरवा, ये अजमेर में खरवा नाम का एक आजकल टाउन है, उस समय एक ठिकाना था अजमेर में, तो खरवा के ठाकुर थे गोपाल सिंह, ठाकुर गोपाल सिंह, इनके पास भेजा था कि भाई वो क्रांतिकारी हमारे, उनके पास जाइए तो उनको समझाइए सारी प्लानिंग, और फिर ताकि गोपाल सिंह खरवा वहां पर क्रांति कर सकें, सशस्त्र हमला कर सकें, ठीक है। तो अब जब भूप सिंह और ठाकुर गोपाल सिंह खरवा बैठे हुए प्लानिंग कर रहे थे कि किस तरीके से भारत की क्रांति के साथ राजस्थान की क्रांति को जोड़ा जाए, एक पर्टिकुलर जो फिक्स भी जो फिक्स डे होगा आगे, तो फिर किसी ने अंग्रेजों को इनका भेद दे दिया और दोनों गिरफ्तार कर लिए गए। और गिरफ्तार करके दोनों टॉडगढ़ दुर्ग में, टॉडगढ़ फोर्ट जो कि अजमेर में पड़ता है, ये हमने पढ़ा था फोर्ट्स में, टॉडगढ़ दुर्ग में दोनों को कैद कर दिया गया। किस किस को? भूप सिंह को और गोपाल सिंह खरवा को, इन दोनों को कैद कर लिया गया। यहां पर किसी तरीके से चकमा देकर भूप सिंह भाग गए हैं इस दुर्ग से, जो कि इनकी जेल थी एक तरह से, और पहुंच गए हैं साउथ राजस्थान, और वहां जाकर इन्होंने अपना वेशभूषा चेंज कर ली, दाढ़ी मूछ बढ़ा ली है ताकि कोई पहचान ना सके, और इन्होंने अपना नाम भी भूप सिंह से बदलकर रख दिया विजय सिंह पथिक। अब साधु सीताराम दास एक बार साउथ राजस्थान जाते हैं और उनकी मुलाकात होती है विजय सिंह पथिक से, तो उनको लगता है कि यार ये आदमी हमारे आंदोलन को चलाने में बहुत ही सक्षम है, कैपेबल है, तो उन्होंने आग्रह किया कि साहब हमारा एक अहिंसक आंदोलन, देखिए अब ये हिंसा के व्यक्ति थे, क्रांतिकारी थे तो हथियारों का यूज करते थे, हिंसा वाला मामला था इनका, ठीक है ना, लेकिन वो आंदोलन जो था बिजोलिया वो अहिंसक आंदोलन था, उसका नेतृत्व किया, ठीक है। तो साधु सीताराम दास ने इनको इनवाइट किया कि साहब आप आइए और हमारे इस आंदोलन का नेतृत्व कीजिए, लीडरशिप इसको संभालिए। तो क्योंकि इनको भी एक मंच की आवश्यकता थी, मारे मारे फिर रहे थे, भागे भागे फिर रहे थे विजय सिंह पथिक, तो इन्होंने तुरंत ही हामी भर दी, और इस तरीके से साधु सीताराम दास के आग्रह पर 1916 में एंट्री लेते हैं विजय सिंह पथिक इस आंदोलन में, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई होगी आई थिंक। चलिए अब आप नोट डाउन कीजिए जल्दी से, 1916 में
साधु सीताराम दास के आग्रह पर, साधु सीताराम दास के आग्रह पर लिख लीजिए या कहने पर, जो भी आप चाहें, विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन में प्रवेश किया। विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन में प्रवेश किया 1916 में। प्रवेश किया इन 1916 ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ साधु सीताराम दास, इन 1916 ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक विजय सिंह पथिक एंटर्ड दिस मूवमेंट। अब इनका एक जो इंफॉर्मेशन है वो आप लिख लीजिएगा, रियल नेम भूप सिंह, रेजिडेंट ऑफ गुठावली विलेज बुलंदशहर यूपी, या यूपी लिख लीजिए, बुलंदशहर लिखने की जरूरत नहीं है, रेजिडेंट ऑफ गुठावली विलेज यूपी, रास बिहारी बोस सेंट हिम, टू ठाकुर गोपाल सिंह खरवा, रास बिहारी बोस सेंट हिम टू ठाकुर गोपाल सिंह खरवा। To spread the revolution in Rajasthan. But when both were planning this revolution, they were caught and put into Todgarh Fort. किंतु दोनों योजना बनाते पकड़े गए, और टॉटगढ़ दुर्ग में कैद कर लिए गए, यहां से भूप सिंह भागकर दक्षिण राजस्थान पहुंचे, तथा अपना नाम बदलकर विजय सिंह पथिक रखा। भूप सिंह रन अवे फ्रॉम दिस फोर्ट, एंड वेंट टू साउथ राजस्थान, एंड चेंज्ड
his name and changed his name as Vijay Singh Pathik and changed his name chaliye repeat kar dete hain bhai and changed his name as Vijay Singh Pathik yahan se bhag kar Bhup Singh दक्षिण राजस्थान पहुंचे दक्षिण राजस्थान पहुंचे तथा अपना नाम बदलकर विजय सिंह पथिक रखा। यहीं सीताराम दास से इनकी मुलाकात हुई हेयर ही मैट साधु सीताराम दास। ठीक है भाई, तो इस तरीके से मुलाकात हुई और उन्होंने इनको भेज दिया यहां पर। तो ये थे आपके विजय सिंह पथिक जिनकी एंट्री हो गई है, सेकंड फेज हमारा शुरू हो गया है इस आंदोलन का। और अब विजय सिंह पथिक ने एंट्री लेकर क्या कुछ यहां पर किया वो हम जरा देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन फार्मर्स का एस्टेब्लिश किया, उसको स्थापित किया यहां पर, और वो था ऊपर माल पंच बोर्ड। ये बात है आपकी 1917 में इन्होंने किसानों का एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश किया यहां पर, ऊपर माल पंच बोर्ड। ठीक है, अब इसका जो पहला अध्यक्ष बनाया, जिस उस अध्यक्ष को कहते थे सरपंच, इसका पहला जो सरपंच बना यानी जो अध्यक्ष था वो बनाया एक किसान मन्नालाल पटेल को। ठीक है, तो 1917 में भूप सिंह ने सॉरी अब विजय सिंह पथिक है ये 1917 में विजय सिंह पथिक ने किसानों का एक संघ तैयार किया, एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया जिसका नाम दिया ऊपरमाल पंच बोर्ड। और इसका जो प्रेसिडेंट जो होता था, जो इसका अध्यक्ष होता था, उसको कहते थे सरपंच, उसको बनाया मन्नालाल पटेल को। ठीक है, लिखिएगा, चलिए लिखिएगा, 1917 में पथिक ने ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की तथा मन्नालाल पटेल को इसका प्रथम सरपंच ब्रैकेट में लिख देना अध्यक्ष नियुक्त किया तथा मन्नालाल पटेल को इसका प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया। इन 1917 पथिक फाउंडेड अ यूनियन ऑफ पेजेंट्स और फार्मर्स। इन 1917 पथिक फाउंडेड अ यूनियन ऑफ फार्मर्स नेम्ड ऊपरमाल पंच बोर्ड। ऊपरमाल पंच बोर्ड एंड मन्नालाल पटेल अपॉइंटेड एज द फर्स्ट सरपंच और प्रेसिडेंट ऑफ दिस यूनियन। एंड मन्नालाल पटेल अपॉइंटेड एज द फर्स्ट सरपंच और प्रेसिडेंट ऑफ दिस यूनियन। ठीक है भाई, अब इसी समय इन्हें सहयोग मिला है माणिक्य लाल वर्मा का।
ये माणिक्यलाल वर्मा काफी इंपॉर्टेंट लीडर हैं। पथिक के बाद बेसिकली इन्होंने ही इस आंदोलन को संभाला था। तो माणिक्यलाल वर्मा बेसिकली लाइब्रेरियन के पद पर थे मेवाड़ राज्य में, और जब पथिक की इनसे मुलाकात होती है तो इनको वो प्रमोट करते हैं कि क्या आप ये जो है सेवा कर रहे हैं यहाँ के शासकों की जो कि अत्याचार कर रहे हैं, आपको तो किसानों का लीडर होना चाहिए। तो उन्हीं के कहने पर इन्होंने उनको सहयोग दिया। तो यहां पर माणिक्यलाल वर्मा जो थे, इस तरीके से इस आंदोलन के चलते इन्होंने मेवाड़ की नौकरी छोड़ी और इस आंदोलन में कूद गए थे। और ये वही मेवाड़ यही माणिक्यलाल वर्मा है जिन्होंने पंछिड़ा नामक गीत लिखा। पंछिड़ा नामक एक फोक सॉन्ग था जो इन्होंने लिखा। पंछिड़ा का मतलब है पक्षी, और इन्होंने इसमें जो गीत में बताया गया है, इन्होंने बिजोलिया की जनता को एक पर कटे, उसके फेदर्स को जब हम काट दें, ऐसे पक्षी की तरह बताया हुआ है कि यहाँ की जनता पर इतना अत्याचार हो रहा है कि जैसे एक पक्षी जिसको पंख दिए भगवान ने आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ने के लिए, तो उसके पंख अगर काट दिए जाएं तो उड़ नहीं पाएगा और जमीन पर ही छटपटाता रहेगा। इस तरीके से बिजोलिया की जनता छटपटा रही है अपनी आजादी के लिए। इस तरह का एक गीत है जो इन्होंने लिखा था बिजोलिया आंदोलन पर। ठीक है, तो लिखेगा इसी समय इन्हें माणिक्यलाल वर्मा का सहयोग भी प्राप्त हुआ। इसी समय इन्हें माणिक्यलाल वर्मा का सहयोग भी प्राप्त हुआ। एट दिस टाइम माणिक्यलाल वर्मा also joined Pathik. Also joined Pathik. Verma wrote a folk song Panchira. Verma wrote a folk song Panchira. At this time, Maanikyalal Verma also joined Pathik. Verma wrote a folk song, Panchida. चलिए भाई, अब देखिए एक और इन्होंने कोशिश की इस आंदोलन को नेशनवाइड बनाने की, राष्ट्रव्यापी बनाने की। पथिक ने कानपुर से एक न्यूज़पेपर था जो पब्लिश होता था, जिसका नाम था प्रताप। ठीक है, कानपुर से एक पत्र था यानी समाचार पत्र था प्रताप नाम का, वो पब्लिश होता था वहां से। और इसके उस समय जो संपादक थे, एडिटर थे, वो थे आपके एक क्रांतिकारी थे, गणेश शंकर विद्यार्थी। अब देखिए ये जो पत्र था प्रताप, ये पूरे भारत में सर्कुलेट होता था। ठीक है, यहां से कानपुर से प्रकाशित होता था और पूरे भारत में अलग अलग जगह इसको भेजा जाता था। तो इसमें जो गतिविधियां हैं, जो भी चल रही हैं भारत में, उन सबको पब्लिश किया जाता था, जिसके एडिटर थे, संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी, जो कि क्रांतिकारी थे। और भूप सिंह भी जो है एक क्रांतिकारी थे। तो इनसे इन्होंने
एक रिक्वेस्ट की, चांदी की राखी भेजी है पहले तो गणेश शंकर विद्यार्थियों को, इनको अपना धर्म भाई बनाया है, और इनसे रिक्वेस्ट की कि साहब हम एक आंदोलन चला रहे हैं राजस्थान में बिजोलिया जगह पर, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा जो आंदोलन चल रहा है क्या चल रहा है, किस तरीके से यहाँ पर लीडर्स काम कर रहे हैं, क्या यहाँ की जनता पर अत्याचार हो रहे हैं, उसको आप पब्लिश कीजिए अपने इस न्यूज़पेपर में प्रताप में। तो अब क्योंकि ये पूरे भारत में सर्कुलेट होता था, तो अब बिजोलिया किसान आंदोलन को इस तरीके से पथिक ने पूरे भारत में उसको राष्ट्रव्यापी बना दिया, उसको नेशन वाइड कर दिया, सबको पता चल गया। अभी तक तो ये केवल राजस्थान में ही जब था लोग बाग को मालूम था, बाकी लोगों को मालूम नहीं था, लेकिन इस पत्र के माध्यम से, इस न्यूज़पेपर के माध्यम से इन्होंने इसको नेशन वाइड बना दिया। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन क्या था कि पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रव्यापी बना दिया, दैट वॉज प्रताप। ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, लिखिएगा। कानपुर से प्रकाशित होने वाले प्रताप नामक समाचार पत्र, ब्रैकेट में लिखिएगा, संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी, कानपुर से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र प्रताप, ब्रैकेट में लिखिएगा, संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी, प्रताप के माध्यम से पथिक ने इसे, इस आंदोलन को, पथिक ने इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी बना दिया, पथिक पॉपुलराइज्ड दिस मूवमेंट नेशन वाइड, थ्रू द न्यूज़पेपर, थ्रू द न्यूज़पेपर प्रताप, ब्रैकेट में लिखेगा, एडिटर गणेश शंकर विद्यार्थी, पथिक पॉपुलराइज्ड दिस मूवमेंट थ्रू द न्यूज़पेपर प्रताप, ब्रैकेट में लिखेगा, एडिटर गणेश शंकर विद्यार्थी, विच वॉज पब्लिश्ड फ्रॉम कानपुर। ठीक है भाई, इस तरीके से यहां पर इन्होंने नेशन वाइड कर दिया है इसको। अब आगे बढ़े तो हम देखते हैं कि 1919 में एक घटना घटती है कि जब ये आंदोलन चल रहा है, अब राष्ट्रव्यापी भी हो गया है, तो अंग्रेजों ने यहां पर जस्टिस बिंदुलाल भट्टाचार्य के नेतृत्व में एक आयोग भेजा कि भाई जाइए और पता कीजिए वाकई में क्या किसानों पर सच में अत्याचार हो रहे हैं। तो यहां पर जस्टिस बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, इसके अध्यक्ष बिंदुलाल भट्टाचार्य थे, तो जस्टिस बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग आया है कहां पर, बिजोलिया, और इसने यहां के किसानों से बातचीत की है और यहां पर इस आंदोलन का एक स्टडी किया है इसको, और उन्होंने जो अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं वो फार्मर्स के फेवर में दी,
कि हाँ वाकई में अत्याचार हो रहा है भाई, तो आप यहां पर कुछ कीजिए। लेकिन इनकी रिकमेंडेशंस को मेवाड़ सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया और भूल गए। ठीक है, तो ये बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग कमीशन जो था इससे रिलेटेड था। 1919 में ही एक और घटना घटती है भाई, और वो घटना क्या घटती है कि पथिक चले गए हैं वर्धा महाराष्ट्र में। ठीक है, वर्धा चले गए, और वर्धा क्यों गए, क्योंकि वर्धा प्लेस जो है महात्मा गांधी से जुड़ी हुई है, तो यहां पर महात्मा गांधी उस समय विराजमान थे, तो इनसे आशीर्वाद लेने के लिए और इनसे मार्गदर्शन गाइडेंस लेने के लिए कि साहब देखिए हम एक अहिंसक आंदोलन चला रहे हैं, तो बापू आप हमें मार्गदर्शन दीजिए कि हम इसको किस तरीके से चलाएं। ठीक है, तो यहां पर ये वर्धा पहुंचते हैं और महात्मा गांधी से मुलाकात करते हैं। ठीक है भाई, अब देखिए यहां पर जब ये पहुंचते हैं वर्धा, तो इन्होंने यहां से एक समाचार पत्र भी निकाला है। वर्धा से ही निकाला है, कौन सा एक समाचार पत्र है, राजस्थान केसरी। राजस्थान केसरी ये समाचार पत्र इन्होंने निकाला है। ठीक है, और इसको जो आर्थिक सहायता दी है, जो आर्थिक मदद जो दी है, वो दी है सेठ जमनालाल बजाज ने। आर्थिक सहायता दी है इस समाचार पत्र को सेठ जमनालाल बजाज ने। ठीक है, और यहीं पर हुआ यह है कि सेठ जमनालाल बजाज और पथिक में दोनों में वैचारिक मतभेद पैदा हो गए, कंट्रोवर्सी पैदा हो गई भाई। क्यों? क्योंकि जो इसके एडिटर थे, संपादक थे, वो थे आपके पथिक, और बजाज जी कह रहे थे कि साहब मैं धनराशि दे रहा हूं इस समाचार पत्र को निकालने में, तो मेरे अकॉर्डिंग छपना चाहिए पत्र, इसमें क्या जाएगा क्या नहीं मैं डिसाइड करूंगा। पथिक ने कहा कि ठीक है, पैसा देने से अकल थोड़ी आ जाती है, आप पैसा दीजिए, बाकी छापना क्या है ये एडिटर डिसाइड करेगा, मैं संपादक हूं, मुझे पता है किस तरह से क्या करना है, इसीलिए तो मैंने निकाला है, आपने केवल धनराशि ही तो दी है, उससे क्या हो गया, संपादक डिसाइड करेगा। तो इसी वैचारिक मतभेद में दोनों में मतभेद पैदा हो जाता है और पथिक चले आते हैं अजमेर। अब देखिए यहां पर एक बात और, 1919 में ही वर्धा में इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन भी एस्टेब्लिश किया, फाउंडेड किया, और वो था राजस्थान सेवा संघ। बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान सेवा संघ। ठीक, तो 1919 में ही इन्होंने वर्धा में राजस्थान सेवा संघ इसकी स्थापना की है। ठीक है, और वैचारिक मतभेद जब पैदा हो गए बजाज से, तो ये 1920 में आ गए हैं अजमेर, और अजमेर में इन्होंने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। ठीक है, और इन्होंने कहा भाड़ में गया तुम्हारा समाचार पत्र, जब तुम मेरी बात मान ही नहीं रहे हो तो संभालो अपने हिसाब से, चलाओ राजस्थान केसरी को। यहां पर अजमेर आने के बाद इन्होंने एक नया समाचार पत्र निकाला जिसको नाम दिया नवीन राजस्थान। ये समाचार पत्र इन्होंने निकाला है नवीन राजस्थान, लेकिन अंग्रेजों ने इसको कर दिया बैन,
अंग्रेजों ने, क्योंकि इसमें क्रांतिकारी आंदोलन की बातें थी, तो इन्होंने बैन कर दिया कि अगर इसको आपने पब्लिश किया तो हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे। तो इन्होंने रातों रात क्या किया, इसका नाम चेंज कर दिया, नाम परिवर्तित करके रखा तरुण राजस्थान। ये तो आपको याद रहेगा। जब जब आप यहां पर आएंगे तो मुझे याद करेंगे, क्योंकि मेरा नाम है तरुण कुमार और ये राजस्थान जो तरुण राजस्थान नाम का पत्र है ये मुझसे रिलेटेड है, तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे, राइट। चलिए, तो आई रिपीट अगेन कि 1919 में इन्होंने क्या किया है, व्हाट हैपेंड, में पथिक पहुंचते हैं वर्धा महाराष्ट्र, और यहां पर इन्होंने राजस्थान केसरी नाम का समाचार पत्र निकाला। इसको आर्थिक सहायता जो फंडिंग जो की है वो की है सेठ जमनालाल बजाज ने, ठीक है। और सेठ जमनालाल बजाज क्योंकि धनराशि दे रहे थे तो इन्होंने कहा कि भाई इस समाचार पत्र में क्या छपेगा क्या नहीं ये मैं डिसाइड करूंगा। पथिक ने कहा कि नहीं, आप डिसाइड नहीं करोगे, मैं डिसाइड करूंगा क्योंकि मैं इसका एडिटर हूं, संपादक हूं। तो दोनों में वैचारिक मतभेद हो गया, ठीक है। अब 1919 में ही इन्होंने वर्धा में उस पत्र को स्थापित करने के साथ साथ एक ऑर्गेनाइजेशन भी एस्टेब्लिश किया है जिसका नाम है राजस्थान सेवा संघ, ठीक है। और राजस्थान सेवा संघ इन्होंने स्थापना कर दी वर्धा में ही 1919 में ही। और फिर उसके बाद जब वैचारिक मतभेद हो गए तो उससे मतभेद के चलते ये आ गए 1920 में अजमेर, और अजमेर में इन्होंने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। देखिए बेसिकली वर्धा में की है। अगर क्वेश्चन आता है कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई, जो कि आया हुआ है दो बार, तो आपका आंसर होगा 1919, वहां पर 1920 भी दिया होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में कब स्थापना की तो फिर आप लगाएंगे अजमेर, ठीक है। अजमेर में इन्होंने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की और राजस्थान केसरी को ये वहीं छोड़ा है, और यहां पर इन्होंने एक नया समाचार पत्र निकाला जिसका नाम है नवीन राजस्थान। और इसको क्योंकि अंग्रेजों ने बैन कर दिया तो इन्होंने इसका नाम ही चेंज कर दिया और इसका नाम रखा तरुण राजस्थान, ठीक है भाई। यहां तक बात समझ में आ गई होगी? नहीं भाई, ये उसी समय खत्म हो गया था, ये आपके 19 लगभग ये खत्म हो चुका था 1926-27 तक जो है ना ये खत्म हो गया था, ठीक है। राजस्थान सेवा संघ आगे ज्यादा चला नहीं था। चलिए भाई, इस तरह की बात हुई, तो अब हम चलते हैं जरा, तो लिखेगा 1919 में, 1919 में जस्टिस बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, 1919 में जस्टिस बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग ने बिजोलिया आकर, किसानों के पक्ष में अपनी सिफारिश दी, उन्नीस में जस्टिस बिंदुलाल भट्टाचार्य ने बिजोलिया आकर, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग ने बिजोलिया आकर किसानों के पक्ष में सिफारिशें दी, किंतु मेवाड़ सरकार ने इसे नहीं माना, अब देखिए ये किसानों की एक तरह से जीत थी कि यहां पर किसानों के फेवर में पहली बार किसी आयोग ने कोई बात की है, और जब ये बात नहीं मानी तो फिर आंदोलन और ज्यादा तेज होता चला गया। इन 1919 जस्टिस बिंदुलाल भट्टाचार्य कमीशन, केम टू बिजोलिया and gave his recommendations in the favor of farmers, ठीक है भाई। चलिए 1919 अगला पॉइंट लिखे, 1919 में पथिक वर्धा महाराष्ट्र पहुंचे, 1919 में पथिक
वर्धा महाराष्ट्र पहुंचे एंड सॉरी वर्धा महाराष्ट्र पहुंचे तथा यहां इन्होंने राजस्थान सेवा संघ, पहले इसको लिख लीजिएगा, राजस्थान सेवा संघ संगठन की स्थापना की, राजस्थान सेवा संघ संगठन की स्थापना की। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की, यहीं से इन्होंने राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र भी निकाला, यहीं से इन्होंने राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र भी निकाला। 1919 में पथिक वर्धा पहुंचे तथा यहां इन्होंने राजस्थान सेवा संघ नामक संगठन की स्थापना की, यहीं से इन्होंने राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र भी निकाला, जिसे आर्थिक सहायता, सेठ जमनालाल बजाज ने दी, इन 1919 पथिक रीच्ड वर्धा, देयर ही फाउंडेड एन ऑर्गेनाइजेशन राजस्थान सेवा संघ। ही ऑल्सो पब्लिश्ड अ न्यूज़पेपर, राजस्थान केसरी फ्रॉम हियर, दिस वॉज फाइनेंशियली फंडेड बाय, सेठ जमनालाल बजाज। भाई कितनी बार रिपीट करवाओगे प्लीज, आप थोड़ा सा देखिए, अब मैं दो बार रिपीट कर चुका हूं हिंदी में। क्या लिखवाया था मैंने, दिस वॉज फाइनेंशियली फंडेड बाय सेठ जमनालाल बजाज, ठीक है। बजाज से वैचारिक मतभेद होने से, पथिक 1920 में पथिक अजमेर आ गए, तथा यहां राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की।
बजाज से वैचारिक मतभेद होने से पथिक 1920 में अजमेर आ गए तथा यहां राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। आफ्टर सम टाइम ड्यू टू क्या वर्ड है भाई, मैं उसको ड्यू टू देखिए मतभेद को क्या कहते हैं, ड्यू टू कई बार वर्ड दिमाग से निकल जाते हैं भाई, ड्यू टू कंट्रोवर्सी, ठीक है, ड्यू टू कन्फ्लिक्शन तो कंट्राडिक्शन भी हम कह सकते हैं, कंट्रोवर्सी भी कह सकते हैं, ठीक है, डिस्प्यूट थोड़ा वर्ड वैसा लगेगा भाई, कन्फ्लिक्शन कह सकते हैं हम, हाँ, ड्यू टू कन्फ्लिक्शन और कंट्रोवर्सी विद, कोई सा वर्ड यूज कर लीजिए, दोनों चलेंगे, ठीक है, आर्ग्यूमेंट नहीं भाई, ड्यू टू कंट्रोवर्सी और कन्फ्लिक्शन विद, ये भी ठीक है, कोई बात नहीं, मिसमैच द आइडियाज, चलिए कोई बात नहीं, कंट्राडिक्टरी आइडियाज कुछ भी लिख लीजिए, ठीक है, ड्यू टू कंट्राडिक्शन और कंट्रोवर्सी विद बजाज, पथिक केम टू अजमेर इन 1920, पथिक केम टू अजमेर इन 1920, पथिक केम टू अजमेर इन 1920, एंड हियर ही एस्टेब्लिश्ड राजस्थान सेवा संघ और फाउंडेड राजस्थान सेवा संघ। एंड हियर ही फाउंडेड राजस्थान सेवा संघ। हाँ ठीक है भाई, कुछ भी आप, अब ये वर्ड बहुत सारे आ गए, ड्यू टू डिफरेंस इन थिंकिंग और कंट्राडिक्शन कुछ भी लिख सकते हैं, चलिए ही फाउंडेड राजस्थान सेवा संघ हियर, ही ऑल्सो पब्लिश अ न्यू पेपर और न्यूज पेपर, ही ऑल्सो पब्लिश अ न्यू न्यूज पेपर नेम्ड राजस्थान, सॉरी नवीन राजस्थान, नेम्ड नवीन राजस्थान, नेम्ड नवीन राजस्थान, ब्रिटिशेज बैंड दिस पेपर, सो ही चेंज्ड इट्स नेम एज तरुण राजस्थान, सो ही ब्रिटिश इज बैंड दिस पेपर और न्यूज पेपर, सो ही चेंज्ड इज इट्स नेम एज तरुण राजस्थान। नौ बजे छोड़ दूंगा भाई, प्लीज टाइम के लिए मत कहिए, मेरी क्लास 9 बजे तक है तो मैं 9 बजे तक क्लास लूंगा, ठीक है भाई, इस तरीके से ये ध्यान रखिएगा कि राजस्थान केसरी कब पब्लिश किया गया और इसके बाद आपका नवीन राजस्थान कब पब्लिश किया गया, तरुण राजस्थान कहाँ से निकाला, ये सब आप ध्यान में रखिएगा, और ये राजस्थान सेवा संघ 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसका आप स्पेशली ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। अब देखिए, समझ लीजिए, मैं समझा देता हूँ आपको, लिखवाऊंगा कल, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि आंदोलन चल रहा है और 1923 में बेगू किसान आंदोलन के चलते, जो कि हम कल देखेंगे, बेगू किसान आंदोलन क्या था, गिरफ्तार हो गए पथिक,
पथिक गिरफ्तार हो जाते हैं बेगू किसान आंदोलन के चलते हुए और उनको डाल दिया जाता है जेल में। तो यहां पर जो आपके माणिक्यलाल वर्मा है वो आंदोलन का नेतृत्व संभालते हैं, लेकिन माणिक्यलाल वर्मा को भी जेल में डाल दिया जाता है। तो फिर वो आग्रह करते हैं हरिभा उपाध्याय और सेठ जमनालाल बजाज से कि आप इस आंदोलन का नेतृत्व कीजिए। इसको समझ लीजिए, मैं आपको समझा रहा हूं, एंड हो जाएगा, कल लिखवा दूंगा आकर के, कल समझाऊंगा नहीं, केवल लिखवाना है कल मेरे को, ठीक है। तो अब क्या हुआ, बेगू किसान आंदोलन के चलते पथिक हो गए गिरफ्तार, तो फिर आंदोलन का नेतृत्व संभाला आपके सेठ माणिक्यलाल वर्मा ने, माणिक्यलाल वर्मा को भी डाल दिया गया जेल में। तो अब वर्मा जी ने बजाज से और हरिभा उपाध्याय से रिक्वेस्ट की है कि साहब अब आप संभाल लीजिए। तो सेठ जमनालाल बजाज पहले ही खार खाए हुए हैं पथिक से, तो उन्होंने कहा साहब इस आंदोलन का नेतृत्व मैं एक ही शर्त पर, एक कंडीशन है मेरी कि अगर पथिक इस आंदोलन से हट जाए तो मैं नेतृत्व संभालूं। तो इससे पथिक जो है बहुत ज्यादा आहत हुए, उनको बहुत चोट पहुंची। तो उन्होंने क्या किया, 1927 में इस आंदोलन से अपने आप को अलग कर लिया। तब तक राजस्थान सेवा संघ भी काफी कमजोर पड़ चुका था, ठीक है। और फिर हुआ ये कि आंदोलन जो है आगे चलता रहा और एट लास्ट 1941 में जाकर मेवाड़ और किसानों के बीच में एक समझौता हुआ, जिसके तहत डिसाइड किया गया कि बहुत सारी लागबाग जो है वो माफ कर दी जाएंगी, किसानों की जो जमीनें हैं जो जब्त कर ली गई थी मेवाड़ सरकार द्वारा वो भी उनको वापस लौटा दी जाएंगी, ठीक है। और कुल मिलाकर के मैक्सिमम जो रिकमेंडेशंस की गई थी इस समझौते के तहत वो किसानों के फेवर में थी। तो इसलिए किसानों के फेवर में होने के कारण क्या हुआ, ये आंदोलन समाप्त कर दिया गया क्योंकि किसानों के फेवर में थी। तो सक्सेसफुली एंड हुआ इस आंदोलन का। विशेष बात इस आंदोलन की कि राजस्थान का नहीं भारत का सबसे लंबा आंदोलन था, अहिंसात्मक था और सक्सेसफुली इसका एंड हुआ, ये एक इसकी विशेष बात है, ठीक है भाई। तो इस तरह से ये हमारा हुआ बिजोलिया किसान आंदोलन, सबसे बड़ा आंदोलन यही है। इसके बाद हमारे कोई बड़े आंदोलन ऐसे नहीं है। एक बेगू किसान आंदोलन है जो थोड़ा जितना इस समय इसने लिया उसने थोड़ा हाफ समय लेगा, और बाकी दो दो तीन तीन चार चार लाइनों के हमारे किसान आंदोलन होंगे और कल हमारा किसान आंदोलन हो जाएगा समाप्त, ठीक है। तो कल फिर मिलते हैं, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।